Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह video 9th और 10th class की English के लिए है. आज का topic है exercise on present progressive tense. आज present progressive tense की exercise को complete करना है. आइए इस exercise को हम complete करते हैं. इस एक्सरसाइज का जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज यूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट में वर्ब्स लिखी हुई हैं उनकी करेक्ट फॉर्म हमको लिखना है. प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, यानी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल और फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इनमें से हमें चुनाव करना है. वी हैव टू चूज वन ऑफ देम एंड देन वी हैव टू राइट देम. Means we need to write the correct forms of the verbs given in brackets. Then तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि present simple present हम कब use करते हैं या और present progressive tense हम कब use करते हैं. So जब हमारे लिखते या बोलते समय, when we are writing or speaking, that time if an activity is going on, we use present progressive tense. One thing. Second thing is if not at the time of speaking, the activity is not going on at the time of our speaking, but when we are speaking or writing, those days if an activity is going on, agar un dinon mein activity chal rahi hai jab hum kisi baat ko bol rahe hain, un dinon mein agar koi activity chal rahi hai to uske liye bhi hum present progressive tense use karte hain. थर्ड थिंग इज कि नियर फ्यूचर के लिए कोई सर्टन और कोई डेफिनेट एक्टिविटी, मतलब हमारा कोई डेफिनेट फ्यूचर प्लान है तो उस डेफिनेट और सर्टन फ्यूचर प्लान के लिए भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करते हैं. एंड देन नेक्स्ट थिंग इज कि अगर किसी सिचुएशन या किसी स्टेट या किसी सिचुएशन में कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई इफ देयर आर सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ स्टेट और सिचुएशन, देन उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट, नॉट सिंपल प्रेजेंट, सॉरी, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज करते हैं. तो यहाँ पे तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के लिए तो ये एटलीस्ट चार कंडीशंस है, एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के लिए, एंड सिंपल प्रेजेंट के लिए हैबिचुअल यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, हैबिट्स के लिए हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, एंड सर्टन पास्ट के लिए हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, प्रोवर्ब्स के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, स्टेटिव वर्ब्स के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करते हैं, एंड आपका इनहेरेंट क्वालिटीज बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, एंड फिलोसफी थियोरीज एंड प्रिंसिपल्स बताने के लिए, थियोरीज प्रिंसिपल्स मतलब साइंटिफिक रूल्स बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं, किसी के प्रोफेशन को बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं. और जैसा कि अभी मैंने बताया स्टेटिव वर्ब्स के लिए, तो स्टेटिव वर्ब्स में क्या होता है, जैसे वर्ब्स ऑफ ओनरशिप, रिलेशनशिप, वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, तो इनके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं. कुछ वर्ब्स ऐसी होती है स्टेटिव वर्ब्स में, स्टेटिव वर्ब्स का मतलब ये है, अगर कोई वर्ब स्टेटिव वर्ब है तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में वह यूज नहीं की जाती है. तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आइए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की इस एक्सरसाइज को करते हैं. एंड इस में मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ एक्सरसाइज में, तो बच्चे अगर चाहेंगे तो पहले ये मुझे सुन सकते हैं, पहले म्यूट करके भी इस एक्सरसाइज को किया जा सकता है, म्यूट करके इस एक्सरसाइज को खुद करने की कोशिश करें और उसके बाद फिर मेरे आंसर्स को सुने. दूसरा, एक बार आंसर्स सुनने के बाद फिर से इसको म्यूट करके और दोबारा से अपना खुद करने की कोशिश करें, और दोबारा से उन जो करें वो उसके अपने आंसर्स नोट डाउन करें और उसके बाद दोबारा से इस एक्सरसाइज को सुनेंगे
तो फिर बच्चों को रूल्स भी लर्न हो जाएंगे, क्योंकि हर सेंटेंस के साथ लगभग मैं उसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर सेंटेंस के साथ उसमें अप्लाई होने वाले रूल की भी मैं बात करूँ। इससे आपको रूल्स भी लर्न हो जाएंगे एंड इट विल बी वेरी 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 प्रॉफिटेबल टू यू। खैर आइए, तो हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस में ही डैश नाउ सेवरल पर्संस ही है, तो नाउ जो है ये स्टेटिव वर्ब है, वर्ब ऑफ कॉग्निजेंस इसको हम कहते हैं, कॉग्निशन कहते हैं। तो इसलिए ये चूंकि स्टेटिव वर्ब है, तो स्टेटिव वर्ब हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनती है, तो इसलिए यहाँ कोई कंटिन्यूटी होने का मतलब नहीं। और कंटिन्यूटी का पहले तो इसमें कोई कंटिन्यूटी होती ही नहीं है, दूसरा कंटिन्यूटी के लिए कोई सेंटेंस में कोई सिग्नल भी नहीं है, कोई ऐसा सब मैसेज भी नहीं है, तो इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगी एंड द सेंटेंस विल बी ही नोज सेवरल पर्सन्स हियर। सेकेंड सेंटेंस इज लीला, लीला एंड देन डू हर होमवर्क, डोंट डिस्टर्ब हर, डोंट डिस्टर्ब हर सजेस्ट दैट शी इज बिजी डूइंग समथिंग। लीला जो है किसी चीज में बिजी है, तो बिजी किस में, डू, तो डू यानी कि दिस इज कंटिन्यू एक्टिविटी, एंड जब कंटिन्यू एक्टिविटी है तो ये किस में कहा जाएगा, तब ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में कहा जाएगा। जब किसी को डिस्टर्ब करने की बात है तो इसका मतलब वो बिजी है, तो बिजी है किस में है, तो कंटिन्यू एक्टिविटी हो गई, इसलिए लीला इज डूइंग हर होमवर्क ये कहा जाएगा, लीला इज डूइंग हर होमवर्क ये कहा जाएगा, एंड इसलिए ये एक्टिविटी किस में हो गई, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में ये हो गई। थर्ड सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस आई डैश बिलीव और डॉट 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 बिलीव विद इन ब्रैकेट व्हाट यू से, तो व्हाट यू से ये सिंपल प्रेजेंट में तो है ही, ऊपर से जो बिलीव है, बिलीव भी स्टेटिव वर्ब होती है एंड बिकॉज ये स्टेटिव वर्ब है इसलिए हमेशा एक इसमें बनाई जाती है, एक लिखी जाती है। आई एम बिलीविंग कभी भी नहीं लिखा जाता है, आई बिलीव बिकॉज इट इज अ स्टेटिव वर्ब, तो इसलिए ये भी किस में हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा और लिखा जाएगा आई बिलीव व्हाट यू से। एंड फोर्थ सेंटेंस इज ही डैश 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 और डॉट 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 रिजेंबल हिज फादर, तो जो रिजेंबल है, रिजेंबल मीन्स लुक लाइक, और लुक लाइक और लुक्स सेम, तो इसलिए ये भी किस में है, ये भी स्टेटिव वर्ब है एंड स्टेटिव वर्ब हमेशा किस में लिखी जाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। यदि आपको ये लग रहा हो कि मैं सभी वर्ब्स को स्टेटिव वर्ब्स बताए जा रहा हूँ, तो स्टेटिव वर्ब्स क्या होती है यह समझने की आवश्यकता है, जो ऐसी वर्ब्स जो एक्शन नहीं दिखाती हैं उनको स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं, ऐसी वर्ब्स जो कोई मोशन नहीं दिखाती हैं, एक्शन नहीं दिखाती हैं एंड किसी स्टेट के विषय में बात करती हैं, तो उनको हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो 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 एक्शंस माइंड में होते हैं, जो जो वर्ब्स, जिन वर्ब्स के परफॉर्मेंस माइंड से होते हैं, तो उन वर्ब्स को आप स्टेटिव वर्ब कहते हैं। तो बिलीव है, नो है, रिजेंबल है, ये सब किससे होते हैं, ये सब माइंड से होते हैं, स्टेट को परफॉर्म करते हैं ये, मतलब स्टेट अवस्था दिखाते हैं ये, कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं। जैसे ही इज रनिंग, तो रनिंग में क्या है, उसके बॉडी पार्ट्स, आउटर बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं, तो इस तरह से ये वर्ब्स नहीं होती हैं, इसलिए इनको हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। और स्टेटिव वर्ब्स हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कही जाती हैं, बिकॉज ये स्टेट दिखाती हैं, इसलिए। जैसे कि इज आर है, ये सब क्या है, इज और आर है, ये भी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, इसलिए ये भी प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म में होती हैं, तो इसलिए इनको भी हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। जिस तरह से इज एम आर का यूज होता है, उसी तरह से इनका भी यूज होता है, ये समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसी तरह से लुक स्माउक एंड कम, कम इज विद इन ब्रैकेट कम, एंड लुक का मतलब क्या है, टर्न योर आईज टू दिस साइड वेयर समथिंग इज टेकिंग प्लेस, और टर्न योर आईज टू सी समथिंग, तो इस तरह से लुक का मतलब होता है, यानी अपनी आंखें उस तरफ घुमाओ जहाँ कुछ है, या उस तरफ देखने के लिए अपनी आंखें घुमाओ या अपने आप को घुमाओ, लुक का मतलब ही ये होता है जब हम कहते हैं लुक।
तो इसका मतलब है वहां कोई कंटिन्यू कोई एक्टिविटी चल रही है, जैसे आउट ऑफ दैट विंडो स्मोक और आउट ऑफ दैट विंडोज। आउट ऑफ दैट विंडोज क्या सजेस्ट करता है कि विंडो के बाहर स्मोक है, तो वो स्मोक है तो इसका मतलब है स्मोक एक ऐसी एक्टिविटी है कि जब तक वहाँ फायर नहीं है एंड इट इज नॉट कंटिन्यू तब तक वह आपको विंडो के बाहर नहीं दिखाई दे सकता। सो इट सजेस्ट अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, एंड बिकॉज इट सजेस्ट कंटिन्यूअस एक्टिविटी क्योंकि कंटिन्यूअस एक्टिविटी को सजेस्ट करता है इसलिए इसके साथ क्या आएगा स्मोक इज कमिंग आउट। स्मोक इज कमिंग आउट क्योंकि इसने कंटिन्यूअस एक्टिविटी की ओर इसने सजेस्ट किया। नेक्स्ट सेंटेंस इज सिक्स्थ ही डैश या डॉट 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 वॉन्ट टू बाई अ स्कूटर। तो यहाँ वॉन्ट क्या है, वॉन्ट इज ऑल्सो ए स्टेटिव वर्ब, एंड बिकॉज वॉन्ट स्टेटिव वर्ब है इसलिए इसको भी किस में कहा जाएगा, इसलिए इसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहा जाएगा और कहा जाएगा ही वॉन्ट्स टू बाई ए स्कूटर। ही इज वॉन्टिंग नहीं कहा जाएगा बिकॉज इट इज नॉट ए क्लियर मूवमेंट और फंक्शन ऑफ एन एक्शन, तो इसलिए ये स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब होने के कारण क्या है ये किस में कहा जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहा जाएगा। सेवंथ सेंटेंस इज सेवंथ सेंटेंस इज द प्रिंसिपल डैश 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 स्पीक टू द टीचर विद इन ब्रैकेट स्पीक टू द टीचर यू कांट मीट हिम एट दिस टाइम। यू कांट मीट हिम एट दिस टाइम क्या सजेस्ट करता है, ये ऐसी सिचुएशन को सजेस्ट करता है दैट प्रिंसिपल इज बिजी। तो टू द टीचर और स्पीक एक्शन बताया गया है एंड देयर फॉर यू कांट मीट हिम एट दिस टाइम, तो ये सजेस्ट करता है कि प्रिंसिपल इज बिजी इन स्पीकिंग, तो इसका मतलब है कि एक्टिविटी इज गोइंग ऑन। जब एक्टिविटी इज गोइंग ऑन देन गोइंग ऑन एक्टिविटी के लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज्ड। सो यू विल से द प्रिंसिपल इज स्पीकिंग टू द टीचर, द प्रिंसिपल इज स्पीकिंग टू द टीचर यू कांट मीट हिम एट दिस टाइम, आप उनसे अभी नहीं मिल सकते हैं। द प्रिंसिपल इज स्पीकिंग मीन्स एक्टिविटी इज गोइंग ऑन। नेक्स्ट एट सेंटेंस इज दिस हाउस एंड अगेन बिलोंग, बिलोंग क्या दिखाता है, वॉट डज इट शो, इट शोज द ओनरशिप, एंड ओनरशिप हमेशा किस में कही जाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कही जाती है, इसलिए क्या हो जाएगा दिस हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल कहा जाएगा। एंड बिलोंग्स टू माई अंकल ये ओनरशिप बताने के लिए बिलोंग्स टू माई अंकल हो जाएगा। एंड देन ही डैश 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 बिल्ड अनदर हाउस ऑल्सो, ऑल्सो यहाँ कंटिन्यू एक्टिविटी के लिए मतलब एक तो ये है ही है लेकिन बिल्ड, तो बिल्ड क्या दिखाता है कि दूसरे की भी तैयारी चल रही है, मीन्स कंटिन्यू एक्टिविटी की तरफ दिखाता है, ये संकेत करता है, इसलिए ही इज बिल्डिंग अनदर हाउस ऑल्सो, इसका ये आंसर हो जाएगा ही इज बिल्डिंग अनदर हाउस ऑल्सो। नेक्स्ट नाइन्थ सेंटेंस इज वॉट डैश 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 विद इन ब्रैकेट हैपन इन दैट हाउस। आई डैश सी विद इन ब्रैकेट ए स्मॉल क्राउड इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब उस घर के सामने आई सी ए स्मॉल, सी चूंकि स्टेटिव वर्ब है तो इट विल ओनली बी रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सी जो स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब होने के कारण ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कही जाएगी। तो आई सी अ स्मॉल क्राउड इन फ्रंट ऑफ इट, इन फ्रंट ऑफ इट मीन्स इन फ्रंट ऑफ दैट हाउस, उस घर के सामने मैं एक भीड़ को देखता हूँ, अ स्मॉल क्राउड छोटी सी भीड़ लगी हुई है, भीड़ को मैं देखता हूँ। तो ये इसलिए हैपन क्या शो करता है, हैपन यहाँ पर कंटिन्यू एक्टिविटी को शो करता है, तो यहाँ कहा जाएगा वॉट इज हैपनिंग इन दैट हाउस, यानी जब भीड़ लगी हुई है वहाँ आई सी अ स्मॉल क्राउड, मैं देखता हूँ स्मॉल क्राउड को, तो इट मीन्स समथिंग इज गोइंग ऑन। तो समथिंग इज गोइंग ऑन के लिए हम क्या पूछेंगे, वॉट इज हैपनिंग इन दैट हाउस, वॉट इज हैपनिंग इन दैट हाउस, यही हम कहेंगे और पूछेंगे वॉट इज हैपनिंग इन दैट हाउस। वेल टेंथ सेंटेंस है हमारा, ये तो नाइन्थ हो गया, वॉट इज हैपनिंग इन दैट हाउस। टेंथ सेंटेंस इज दे डैश 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 डॉट 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 बिल्ड अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अ ब्रिज जो है वो एक वो मतलब बिल्ड जो यहाँ वर्ब है ये एक तो स्टेटिव वर्ब नहीं है एंड ये टेम्प्ररी एक्टिविटी को ही हमेशा दर्शाती है। तो ऐसे तो कह सकते हैं कि इंजीनियर्स बिल्ड ब्रिजेस एंड रोड्स, ऐसे तो
कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इंजीनियर्स का फंक्शन हो जाएगा, इंजीनियर्स का प्रोफेशन हो जाएगा, तो इसलिए इंजीनियर्स बिल्ड ऐसे तो कहा जा सकता है। अदरवाइज दे जो है प्रोनाउन है, और इससे सर्टन किसी का पता नहीं चलता कि हम दे किसके लिए यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये कंटिन्यू एक्टिविटी की ओर, टेम्पररी एक्टिविटी की ओर हमको ले जाता है कि हमको यह टेम्पररी एक्टिविटी के लिए कहना है। और जब हम टेम्पररी एक्टिविटी की बात करते हैं तो टेम्पररी एक्टिविटी हमेशा ध्यान रखिए कि जो परमानेंट एक्टिविटी, परमानेंट मतलब हैबिट या हमेशा चलने वाली, ऑल द टाइम चलने वाली जो एक्टिविटी होती है उसको हम कहते, उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट में कहा जाता है। एंड अगर कोई टेम्पररी एक्टिविटी है तो टेम्पररी एक्टिविटी हमेशा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में कही जाएगी। टेम्पररी एक्टिविटी हमेशा किस में कही जाएगी, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में कही जाएगी। और कोई लॉन्ग एक्टिविटी है, लॉन्ग एक्टिविटी मतलब एवर ग्रोइंग और एवर हैपनिंग, ऑल द टाइम हैपनिंग एक्टिविटी है, हमेशा चलने वाली एक्टिविटी है, यानी वो हैबिचुअल एक्टिविटी से संबंधित है, या कोई प्रिंसिपल बताने वाली एक्टिविटी है, तब वो एक्टिविटी सिंपल प्रेजेंट टेंस में कही जाएगी। तो यहाँ बिल्ड जो है वो कौन सी टेम्पररी एक्टिविटी की ओर इशारा करता है। सो दे आर बिल्डिंग ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ये यहां पर कहा जाएगा। आई डैश 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 हैव ए न्यू रेडियो सेट, तो हैव ए न्यू रेडियो सेट किसकी तरफ, ओनरशिप की ओर इशारा करता है। एंड ओनरशिप हमेशा किस में कहा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहा जाता है, इसलिए यहां पर आई हैव ए न्यू रेडियो सेट हो जाएगा, आई एम हैविंग ए न्यू रेडियो सेट नहीं होगा, यानी कंटिन्यूअस में ना होकर के सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यह सेंटेंस कहा जाएगा। 12th सेंटेंस इज ही डैश 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 सीम टू बी सिक, तो सीम भी स्टेटिव वर्ब होती है। स्टेटिव वर्ब का मतलब फिर से मैं बता दूं आपको कि ये एक्शन इसमें नहीं है, ये वर्ब्स एक्शन नहीं दिखाते, और इनका परफॉर्मेंस जो होता है वो माइंड में होता है, या अगर ये कहें कि एक्शन होता है इनका, तो इनका एक्शन माइंड में होता है। तो जिनका एक्शन माइंड में होता है और विजिबल जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उन बॉडी पार्ट्स से बाहर की ओर नहीं होता है, तब हम जो है उनको स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। और स्टेटिव वर्ब्स हमेशा किस में कही जाती हैं, स्टेटिव वर्ब्स हमेशा 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 सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कही जाती हैं। तो इसलिए ही सीम्स टू बी सिक होगा, ही इज सीमिंग वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं होगा। 13th सेंटेंस इज द कमीशन और इट्स रिपोर्ट विद इन ब्रैकेट प्रिपेयर, तो ये हमारे टेम्पररी एक्टिविटी की ओर इशारा करता है। मीन्स अगर हम कहते हैं द कमीशन प्रिपेयर्स, इसका मतलब है कि कमीशन का परमानेंट काम और जो प्रोफेशन है वो रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, तब ये हो जाएगा। तो कमीशन का परमानेंट काम रिपोर्ट प्रिपेयर करना तो नहीं है, तो जब इसका परमानेंट काम या प्रोफेशन या कमीशन का गठन जो किया गया है, फॉर्मेशन जो किया गया है, वो रिपोर्ट बनाने के लिए प्रिपेयर करने के लिए तो नहीं किया गया है, तो कमीशन का अलग पर्टिकुलर फंक्शन है। मीन्स रिपोर्ट प्रिपेयर करना इसका मेन फंक्शन नहीं है, तो ये क्या है, इसकी टेम्पररी एक्टिविटी है। एंड बिकॉज इट इज द टेम्पररी एक्टिविटी ऑफ कमीशन, तो टेम्पररी एक्टिविटी को हम हमेशा किससे कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस से कहते हैं, तो इसलिए द कमीशन इज प्रिपेयरिंग इट्स रिपोर्ट, ये यहां पर हो जाएगा। एंड कमीशन प्रिपेयर्स, इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि अगर अगर ऐसे कहेंगे तो उसका मतलब है कमीशन का, जैसे टेलर स्टिचेज क्लोथ्स, यानी टेलर का मेन फंक्शन या उसकी जो आजीविका या उसका प्रोफेशन है वो क्या है, स्टिचिंग क्लोथ्स, तो इसी तरह से ये माना जाएगा कमीशन प्रिपेयर्स इट्स रिपोर्ट, मतलब कमीशन का जो मेन प्रोफेशन है वो रिपोर्ट तैयार करना है, जबकि ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये टेम्पररी एक्टिविटी में कहा जाएगा द कमीशन इज प्रिपेयरिंग इट्स रिपोर्ट। And now it is the 14th sentence. 14th sentence, he is still, still मतलब अभी भी क्या दिखाता है, activity continuity, activity की continuity को दिखाता है, तो इसलिए he is still sleeping in his room, ये कहा जाएगा। जब continuity है तो sleep यानी verb की first form में ing लगाकर उसको he is, और चूंकि still से पहले is आया ही आया है तो वो अपने आप वहां से अनाउंस हो गया कि ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी में, मींस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में ही ये लिखा जाएगा, तो ही इज स्टिल स्लीपिंग इन हिज रूम हो जाएगा। एंड 15th सेंटेंस इज योर फिंगर एंड डॉट 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 ब्लीड
एंड गो टू द डॉक्टर, तो गो टू द डॉक्टर सजेस्ट कि अभी ये ब्लीड जो है, ब्लीड मीन्स ब्लड इज, ब्लड कम्स आउट, दैट इज ब्लीड, ब्लड कमिंग आउट ऑफ योर बॉडी और फिंगर समथिंग एल्स, देन इट इज नोन एज ब्लीड। तो यानी ब्लीड होने की जो एक्टिविटी है दैट इज स्टिल कंटिन्यू, गो टू द डॉक्टर कहा जा रहा है, इट मीन्स इट इज कमिंग आउट ऑफ द बॉडी, तो इस आउट ऑफ द फिंगर, फिंगर लिखा हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये टेम्पररी एक्टिविटी हो गई एंड वी वॉन्टेड टू स्टॉप, तो इसलिए योर फिंगर इज ब्लीडिंग हो जाएगा, एंड टेम्पररी एक्टिविटी शो करने के लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस विल बी यूज्ड हियर। नाउ 16th सेंटेंस इज लोक, शी लोक, शी डॉट 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 ट्रेम्बल विद द फियर, तो लोक, लोक अगेन क्या शो करता है कि सम एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, क्योंकि लोक, लोक मीन्स टर्न योर आईज टुवर्ड्स दैट, टुवर्ड्स द थिंग, तो उस तरफ देखो, तो उस तरफ क्यों देखे, बिकॉज एन एक्टिविटी इज गोइंग ऑन देयर, तो इसलिए लोक, शी इज टेम्पररी एक्टिविटी दिखाने के लिए कहा जा रहा है, तो शी इज ट्रेम्बलिंग विद फियर, इसलिए यहाँ ट्रेम्बलिंग हो जाएगा टेम्पररी एक्टिविटी दिखाने के लिए। टेम्पररी एक्टिविटी दिखाने के लिए हमेशा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को यूज करते हैं, परमानेंट यानी रेपिटेशन दिखाने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। शी हैज कमिटेड अ मिस्टेक, शी हैज कमिटेड अ मिस्टेक, बट शी नॉट एडमिट इट, नॉट एडमिट क्या है, उसने किसी एक्टिविटी को या मिस्टेक को कमिट तो कर ही दिया है, कमिट कर दिया है, तो अब क्या करना है, अब शी इज नॉट कंटिन्यू डूइंग दिस, शी इज नॉट ब्रिंगिंग कंटिन्यूटी इन एडमिट, तो इसलिए वो क्या है, टेम्पररी एक्टिविटी की ओर कहा जाएगा, और टेम्पररी एक्टिविटी की ओर ही संकेत है, तो इसलिए क्या जाएगा, शी इज नॉट एडमिटिंग इट। In the morning, I usually means maximum times, most of the times means often. तो usually किसको दिखाता है, जहाँ भी repetition की शंका, जहाँ भी या repetition के जहाँ भी clear हो जाएगा कि यहाँ verb को बार बार होने वाली स्थिति में दिखाना है, that will be simple present. So in the morning, I usually meet. ये क्या है, एक schedule हो गया या फिर एक रूटीन हो गया ये, आई यूजुअली मीट लिटिल चिल्ड्रन हु गो टू स्कूल, तो यूजुअली का मतलब ये है कि यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस आना है, एंड बिकॉज एक हैबिट या रूटीन की तरफ इनका इशारा है सेंटेंस का, सो आई यूजुअली मीट लिटिल चिल्ड्रन हु गो टू स्कूल। 19th सेंटेंस इज पीपल यूजुअली, यहाँ भी यूजुअली आ गया, तो यूजुअली का आने का ही मतलब है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को लिखा जाना है, सो पीपल यूजुअली स्टे इनडोर्स व्हेन इट अगेन, चूंकि पहले, इससे पहले क्या है, इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट में कहा है, सो यहां भी क्या आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में व्हेन इट रेन्स। 20th सेंटेंस इज डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक नॉइज मतलब कोई एक्टिविटी कंटिन्यू है, इसलिए नॉइज न करने के लिए कहा जा रहा है, therefore a meeting dot 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 go on, मतलब a meeting is continue, तो meeting is going on, temporary activity को बताने के लिए is going on हो जाएगा। I am tired, I dot 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 not want to work means I am tired, मैं थका हुआ हूँ, so want क्या है, want to stative verb है, और stative verb हमेशा किस में कही जाती है, stative verb हमेशा simple present tense में कही जाती है, and यहाँ चूंकि negative में है, तो negative के लिए stative verb में negative यानी simple present tense में कही जाती है stative verb, और simple present tense में negative sentences कैसे बनते हैं, singular के साथ does not and plural के साथ do not, तो चूंकि I को plural माना जाता है simple present tense में, तो इसलिए आई के साथ डू नॉट आ जाएगा, एंड आई एम टायर्ड, आई डू नॉट वॉन्ट टू वर्क, इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। एंड सो ये हमने दिस वाज द 21st सेंटेंस इट वाज, एंड नाउ 22nd सेंटेंस इज शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, एंड तो अब क्या है, अब उसकी प्रेजेंट कंटिन्यू एक्टिविटी के बारे में, यानी एक एक्टिविटी फिनिश कर ली, अब दूसरी एक्टिविटी में वह कंटिन्यू है, ये कहा जा रहा है, सो एंड इज प्लेइंग इन द गार्डन,
तो ये किसमें टेम्पररी एक्टिविटी को दिखाने के लिए इज प्लेइंग यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में ये हो जाएगा सेंटेंस, इज प्लेइंग यहाँ पर आ जाएगा। 23rd इज 8 डैश 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 विद इन ब्रैकेट रेन, डोंट गो आउट नाउ, डोंट गो आउट नाउ मीन्स रेन की जो स्थिति है इट इज स्टिल कंटिन्यू, अभी ये कंटिन्यू है, तो यानी टेम्पररी एक्टिविटी इज गोइंग ऑन और टेम्पररी एक्टिविटी बताने के लिए इट इज रेनिंग ये हो जाएगा, इट इज रेनिंग, डोंट गो आउट नाउ, सो इट इज रेनिंग, डोंट गो आउट नाउ, अभी बारिश हो रही है बाहर मत जाओ, ये इसका हो जाएगा अर्थ, इट इज रेनिंग, डोंट गो आउट नाउ, यानी कंटिन्यू एक्टिविटी अभी चल रही है। देन 24th सेंटेंस इज दीज डेज, दीज डेज मतलब अपने आप में, दीज डेज का मतलब टेम्पररी एक्टिविटी की ओर इशारा है, तो सिंपल प्रेजेंट में दीज डेज नहीं हम कहते हैं, और कहेंगे तो फिर यहाँ भी हम रेपिटेशन दिखाएंगे, जिस तरह से अगर हमें कहेंगे दीज डेज दीज डेज दीज डेज दीज डेज दीज डेज वी प्रिपेयर अ कोर्स एवरी ईयर, हम इस तरह से कहेंगे, मतलब दीज डेज हम कहेंगे तो लास्ट में क्या है एवरी ईयर का मतलब है वी रिपीट इट, तो इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे, अदरवाइज कभी भी दीज डेज सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर रेपिटेशन नहीं है वर्ब की तरफ या वर्ब में कहीं भी रेपिटेशन दिखाने की स्थिति नहीं है तब वहाँ दीज डेज नहीं आ सकता सिंपल प्रेजेंट में, तो क्या हो जाएगा दीज डेज या टेम्पररी एक्टिविटी की ओर संकेत हो गया, तो टेम्पररी एक्टिविटी का मतलब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, एंड इसलिए क्या हो जाएगा ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन, ये क्या है टेम्पररी एक्टिविटी में ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में यह सेंटेंस बनेगा। खैर चलिए, तो मैंने आपसे इन द बिगिनिंग कहा कि बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइजेज है, मन लगा करके इनकी प्रैक्टिस करें, और अगर इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो जो रूल्स आपको किसी भी तरह से याद नहीं होते हैं वे रूल्स आपको याद होने लगेंगे, एंड व्यक्ति का जन्म पढ़ने समझने के लिए ही हुआ है, तो यदि आपको पढ़ना पड़ता है और आपको समझना पड़ता है तो यह कोई बहुत अलग बात नहीं है, आपसे पहले जितने लोगों ने भी जन्म लिया है सभी को ही पढ़ना पड़ा है, तो आप भी पढ़िए और अपने आप को एक सबसे इम्पोर्टेंट और मतलब जिस उद्देश्य के लिए ईश्वर ने बच्चों को या मनुष्य को बनाया है उस उद्देश्य को प्राप्त करिए, एंड इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए एक्सरसाइज की, एंड सबसे बेस्ट वे है कि सबसे पहले इसको और इसके बाद आगे भी जितनी भी एक्सरसाइजेस आपको दी जाती हैं तो उन सभी एक्सरसाइजेस को पहले म्यूट करके, साउंड को म्यूट करके और सिर्फ उसको एक्सरसाइज को प्ले करके स्क्रीन पर, और फिर उसमें उसको फिल करने की कोशिश करिए, एंड उसको जो भी आंसर्स आपके हैं उनको आप नोट डाउन करिए या मन में अपना ध्यान रखिए, एंड उसके बाद दोबारा से साउंड के साथ प्ले करिए और फिर देखिए कि जो मेरे द्वारा बोले जाने वाले आंसर्स हैं उनसे आपके आंसर्स कितने मैच कर रहे हैं, हर सेंटेंस के लिए या हर एक फॉर्म के लिए एक नंबर निर्धारित करिए, इससे देखिए आपके कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं और कितना आपको काम करना बाकी है, आपको अगर कुछ कम ही मार्क्स हैं तो बार बार इस वीडियो को प्ले करेंगे और मेरी बात सुनेंगे तो लगभग सभी रूल्स ऐसी एक्सरसाइजेस में कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब सभी रूल्स का रेपिटेशन हो जाता है ऐसी एक्सरसाइजेस में, तो अगर मेरे द्वारा बोले गए रूल्स भी आपको लर्न हो जाते हैं तो दैट इज़ फैंटास्टिक, एंड अगर आपके मार्क्स कम है तो थोड़ा सा बुक आपको पढ़ने की आवश्यकता है, हालांकि मैं टेंसेस के रूल्स भी आपको एक दो दिन में इसी तरह से वीडियो में देने वाला हूँ। थैंक यू, बाय बाय।